नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि श्री यंत्र की पूजा किए बिना माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाना असंभव है। माँ लक्ष्मी से श्री यंत्र का क्या कनेक्शन है, किस राशि को श्री यंत्र की पूजा विशेष फल देती है और धन की बढ़ोतरी में श्री यंत्र किस प्रकार काम करता है, ये जानने के लिए हमने बातचीत की देवज्ञ डॉक्टर शिवपति त्रिपाठी जी से और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। किस राशि को श्री यंत्र की पूजा विशेष फल देती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। किस राशि वाले को श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए, कैसे विशेष फल मिलता है, आइए जानते हैं राशि अनुसार। ज्योतिष के मुताबिक धनेश का छठे, आठवें, बारहवें भाव में स्थित होना धन बाधा योग का निर्माण करता है। कुछ छोटे छोटे उपाय जो हैं आप अपना कर इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है। जीवन पर्यंत आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए यह उपाय जो है छोटे होते हुए भी आपके राशि के लिए बड़े काम के सिद्ध साबित होंगे। आपको निश्चित रूप से यह उपाय करना चाहिए। मेष राशि वाले को मंगलवार के दिन लाल चंदन, लाल गुलाब के दो फूल, रोली, पैकेट, लाल कपड़े में बांधे प्रणाम करें और धूप दीप दिखाकर तिजोरी में इसे रख दें। इससे धन वृद्धि होगी, निश्चित रूप से आपका कोष बढ़ेगा। चांदी का स्त्री बनवाकर उसके चारों ओर सफेद तथा नीले रंग के झरकन जड़वाकर लॉकेट बनवाएं, शुद्ध करके इसे पूजन पाठ करके शुक्रवार के दिन श्री के मंत्रों से पढ़ते हुए इसे गले में धारण करें। श्री गणेश यंत्र घर में पूजन स्थल पर रखकर नित्य दर्शन व पूजन करें। ओम गं गणपति नमः का मूंगे की माला से 3 माला जाप करें। जीवन भर दौलत आपके कदम चुभेगी, जीवन में पैसे की कमी कभी नहीं होगी। वृक राशि वाले सोने या चांदी में श्री बनवाकर हरा ओनेक्स लगवाकर शुक्रवार को गले में धारण करें। श्री सूक्त का नियमित पाठ करें। कमल गट्टे की माला पर श्री यंत्र घर में स्थापित करें। लक्ष्मी जी के मंत्रों का पाठ करें। ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः का 1 माला जाप करें। हरे रंग का रुमाल अपने पास रखें। गाय को प्रतिदिन तेल लगी रोटी दें। निश्चित रूप से आप देखेंगे आपके कष्ट दूर होने शुरू हो जाएंगे। वटवृक्ष के पत्ते पर कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं। उस पर साबुत चावल व 1 सुपारी रखकर माता लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ा दें। इस उपाय से आर्थिक समृद्धि आर्थिक जो है आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मिथुन राशि वाले धनदाय यंत्र घर में स्थापित करके नित्य दर्शन करें तो आशातीत धन का लाभ होगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति के सम्मुख ओम क्लीं कृष्णाय नमः का 1 माला जाप तुलसी जी की माला से प्रतिदिन आप करें, देखिए धनागम होना शुरू हो जाएगा। चांदी के पत्थर पर चंद्र यंत्र तथा मंगल यंत्र बनवाकर क्रमशः मोती व मूंगा लगाकर घर के मंदिर में बुधवार को आप स्थापित करें। जिनके ऊपर ऋण हो वह उस यंत्र के आगे ऋणहर्ता मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से ऋण उतरने लगेगा। पक्षियों को गुड़ के साथ सतनजा अनाज मतलब 7 प्रकार के अनाज डालें। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि वाले चांदी की 2 गायों को किसी विद्वान से प्राण प्रतिष्ठा कराकर 1 गाय विद्वान को दक्षिणा में दे दें, दक्षिणा सहित दूसरी गाय कामधेनु देवी की तरह घर के पूजन स्थल में रखकर नित्य पूजन पाठ करें। जो मांगेंगे वही प्राप्त होगा, यह जो है चांदी के होने चाहिए। शिव यंत्र को घर के पूजन स्थल पर स्थापित करें और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का 1 रुद्राक्ष माला जप आप करें, देखें माता रानी की कृपा कैसे आपके ऊपर शुरू हो जाती है। सुबह आजीविका संबंधित कार्य से पहले हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपिणे नमः का मोती की माला से आप जाप करें, माता रानी की कृपा शुरू हो जाएगी। 11 रविवार दोपहर दही भात का भोग लगाकर आप स्वयं खाएं। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि दुर्गा माँ की तस्वीर के आगे देवी की 108 नामों का नित्य स्मरण करें। यह कार्य वर्ष भर करें, आप देखें कि कितने लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। हरे गणपति हकीकिया
ओनेक्स के बने घर के पूजन स्थल में आप स्थापित करें। ऋण हर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ करें। यदि ऋण है तो जल्द ही आप उससे मुक्त हो जाएंगे। ओम ह्रीं घृण सूर्याय आदित्य श्रृंग का नित्य सूर्य उदय के समय तीन माला आप जाप करें। लाल चंदन की माला से आप जाप करें। माँ लक्ष्मी को प्रतिदिन लाल पुष्प अर्पित करें। आप देखेंगे कि आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दूध से निर्मित जो है नैवेद्य का भोग लगाएं, धन का लाभ होगा। कन्या राशि कुर्म पृष्ठ पर बने श्री यंत्र का महालक्ष्मी यंत्र को घर में पूजा स्थल पर स्थापित करें। श्री सूक्त का पाठ करें। लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। चांदी के पत्थर पर गुरु मंत्र पर सुनहला लगवाकर उसे शुद्ध करें, उस पर पूजा करें। बुधवार को धूप दिख दिखाकर आप उसे गले में आप धारण करें। सफ़ेद गुंजा, गुंजा कई प्रकार के होते हैं, सफ़ेद गुंजा से लक्ष्मी मंत्र से अभिमंत्रित कर चांदी की डिबिया में शहद में डुबोकर पूजा स्थल या तिजोरी में रखें। तीन गोमती चक्र, तीन पीली कौड़ियाँ तथा तीन हल्दी की गांठें बिल्कुल जो सीधी होनी चाहिए पीले कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख दें। घर में धन की वृद्धि होगी, उसमें बरकत होगी। तुला राशि श्री लक्ष्मी सिद्ध यंत्र घर में स्थापित करें। रोज दर्शन करें। लक्ष्मी नारायणाय नमः का स्फटिक माला से आप जाप करें। आप देखें माता रानी की कृपा आपके ऊपर होने शुरू हो जाएगी। यदि अचानक धन हानि होती हो इस राशि वाले को तो किसी भी मंदिर में कम से कम 40 शनिवार व सरस्वती चालीसा आप वहां रखवाएं। गरीब जो है सुहागिन स्त्री को आप अपनी शक्ति अनुसार आप अपनी पत्नी के द्वारा सुहाग सामग्री दिलवाएं। सामग्री में कोई भी इत्र निश्चित रूप से आप वहाँ उसमें रखें। महीने में एक बार मिट्टी के कुल्हड़ में मशरूम भरकर किसी भी धार्मिक स्थान पर रखाएं। मिट्टी के कुल्हड़ पर मिट्टी का ढक्कन निश्चित रूप से लगा होना चाहिए, उसके ऊपर अवश्य लगाएं। वृश्चिक राशि श्री हनुमान जी का यंत्र स्थापित कर नित्य आप पूजन पाठ दर्शन करें। धनदा यंत्र भी स्थापित कर नित्य दर्शन करें। ओम नमो नारायणाय का तीन माला प्रतिदिन आप जाप करें। आप देखेंगे कि आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा। इष्ट देव का स्मरण करें और केसर जो है प्रतिदिन आप अपने नाभि में, अपने कंठ में, अपने फोरहेड पे, अपने माथे पे लगावें। 6-6 ग्राम की आप 4 ठोस चांदी की गोलियां सफ़ेद कपड़े में लपेटकर बिल्कुल वो नया होना चाहिए। इससे समृद्धि के साथ साथ घर में भी शांति बनी रहेगी और लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। धनुराशि लाजावर जो रत्न होता है उसको चांदी की अंगूठी में जड़वाकर श्री मंत्र के जाप के साथ शुक्रवार को मध्यमा अंगुली में आपको निश्चित रूप से धारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करें। स्फटिक की माला पे आप जाप करें। अशोक के वृक्ष की जड़ का आप पूजन करें। आप तिजोरी में इसे रखें। धन संपत्ति की प्रचुरता आप वर्ष पर्यंत में नहीं होगी, आप देखेंगे लक्ष्मी कृपा शुरू हो जाएगी। धन संपदा तिजोरी में नीचे रखें और खासकर काली गुंजा के 11 दाने 9 वर्ष के विशेष मुहूर्त में आप यह करें, आप यह रखें, आपको लाभ मिलेगा। मकर राशि 7 पीपल के पत्ते लेकर कुमकुम से आप स्वस्तिक बनाएं, फिर कलावे से एक साथ सारे पत्ते को लपेटकर विराम स्थान पर आप फेंक दें, उसे कहीं डाल आवें। आर्थिक संकट जो है आपको दूर हो जाएगा। कुत्ते को आप 15 दिन तक प्रतिदिन दूध पिलाएं। इन्हीं 15 दिनों में मंदिर में भी दूध का आप निश्चित रूप से दान करें। प्रत्येक शुक्रवार को नियम से किसी भूखे को भोजन कराएं और रविवार को गाय को गुण खिलाएं। आप देखेंगे माता रानी की कृपा शुरू हो जाएगी। घर में समृद्धि पोटली लगाएं। लाल रंग का रिबन तांबे के सिक्के के साथ आप जो है मुख्य द्वार पर लगाएं और या वहां पे बांध कर रखें, आपको लाभ मिलेगा। कुंभ राशि सोने का गुरुजंत शुद्ध करके शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को गले में आप धारण करें। साथ ही चांदी की प्रतिमा आप स्थापित करें। आप उसे नित्य दर्शन करें। ओम श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः का रुद्राक्ष की एक माला से
नित्य आप जप करें, धन की कोई समस्या नहीं होगी। आप देखें कि आपको लाभ मिलना शुरू होगा। खासकर आप पूर्णिमा को घर में सत्यनारायण की कथा कराएं, उन्हें 5 वस्त्र, 5 फल, 5 मिठाई दक्षिणा सहित आप दें और आशीर्वाद पाएं। कार्य सिद्धि यंत्र घर में आप स्थापित करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अंतिम राशि मीन राशि, मुंगे के गणपति स्थापित करें। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिहि प्रचोदयात्। मंत्र का आप जाप करें, मुंगे की माला से नियमित जाप करें। मत्स्य यंत्र आप अवश्य स्थापित करें। नित्य विष्णु भगवान की, जो विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम का पाठ है, वह करें, धन की कमी नहीं होगी। ड्राइंग रूम में उत्तर या पूर्व दिशा में एक्वेरियम रखें, आप देखें कि धन की कमी कभी नहीं होगी। काली मिर्च के 5 दाने अपने सिर से 7 बार उतारकर 4 दाने चारों दिशाओं में फेंक दें तथा 5वें दाने को आकाश की ओर उछाल दें। इससे आकस्मिक धन लाभ होगा। किसी प्रकार से धन अगर आपका रुक रहा है तो निश्चित रूप से धनागम के जोग बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको धन से संबंधित कोई परेशानी है तो आप अपने राशि के अनुसार यह उपाय करें, आपको निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। किस प्रकार श्री यंत्र की पूजा बढ़ाती है धन धान्य? क्या है श्री यंत्र, कैसे करें इसका उपयोग? यंत्र शास्त्र के अनुसार श्री यंत्र लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला प्रभावी यंत्र है। श्री यंत्र के माध्यम से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। आजकल प्रत्येक व्यक्ति श्री लेने के पीछे पड़ा हुआ है, बेचने वालों की भी कमी नहीं है। क्या एक श्री यंत्र रखने मात्र से काम बन जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि श्री यंत्र क्या होता है और इसका कैसे उपयोग करना चाहिए? यंत्र शास्त्र विज्ञान में हर कार्य के लिए यंत्रों का निर्माण किया गया है, जिसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं, जिसमें आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए श्री यंत्र का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे यंत्र होते हैं, जैसे कुबेर यंत्र, व्यापार यंत्र, लेकिन श्री यंत्र को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, इसलिए इसे यंत्र राज भी कहा जाता है। पहले इसकी रचना समझते हैं। श्री यंत्र की रचना 5 त्रिकोण के नीचे के भाग के ऊपर 4 त्रिकोण के संयोजन से, जिसमें 43 त्रिकोण द्वारा होती है। इन त्रिकोणों को 2 कमल घेरे में घेरे होते हुए होते हैं। पहला कमल अष्टदल का होता है और दूसरा बाहरी कमल खोड़स दल का होता है। इन 2 कमलों के बाहर 3 वृत्त हैं। इसके बाहर 3 चौरस होते हैं, जिन पर भूपुर कहते हैं। इस चित्र को तांबे, चांदी या सोने पर बनाया जा सकता है। स्फटिक के श्री यंत्र भी आजकल बहुत ही उपलब्ध हैं। अब बात आती है कि आपने श्री यंत्र ले लिया है और देने वाले ने आपको बताया कि ये सिद्ध है, लेकिन आजकल 24 घंटे में ये श्री यंत्र मिल जाता है। क्या जिस दिन आपने मंगाया उस दिन शुभ मुहूर्त था, उस दिन अच्छे दिन थे, उस दिन जो है अच्छा दिन था, जो बेचने वाले ने उसी दिन सिद्ध भी कर दिया? उसी स्थिति में श्री यंत्र अपना पूर्ण प्रभाव नहीं देता। इन यंत्रों में जान डालनी पड़ती है, वेदों से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहती है। अगर आपने श्री यंत्र लगाया है, कोई प्रभाव नहीं मिल रहा है, तो ये उपाय करें। कैसे करें सिद्ध श्री यंत्र को? आज कोई अच्छा सा दिन देख लें या शुक्ल पक्ष का शुक्रवार ले लें। श्री यंत्र को गंगाजल से अच्छे तरह से धो लें और अपने मंदिर में रखकर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम श्री मंत्र का जप करें। ये कम से कम 21 माला आपको करनी है, जो कि 5 दिन तक करनी है। उसके बाद ये यंत्र सिद्ध होता है। हालांकि ऐसा तभी करें जब आपको योग्य जानकार मिल रहा हो, क्योंकि योग्य व्यक्ति से ही सिद्ध कराना अच्छा होता है, क्योंकि उसमें प्राण देना होता है। उसके बाद यंत्र को अपने मंदिर में स्थापित करें या जहां भी आप चाहते हैं, दुकान या ऑफिस में रख दें।
नित्य इन मंत्रों से श्री यंत्र की पूजा करते कर सकते हैं, उनकी एक मंत्र भी पढ़ सकते हैं। ध्यान रहे कि श्री यंत्र की जितनी पूजा होती है उतना ही बल मिलता है। श्री यंत्र श्री महालक्ष्मी नमः श्री ह्रीं क्लीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। श्री यंत्र का महत्व, श्री यंत्र को घर में, ऑफिस में या पूजा स्थान पर आप रख सकते हैं तथा प्रतिदिन इसके सम्मुख धूप दीप एवं मंत्र जाप करने से समृद्धि वैभव सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित श्रीयंत्र भोजपत्र पर, गोल्ड प्लेटेड पर, चांदी का, पारद का, स्फटिक का, स्वर्ण का प्राप्ति आप कई जगह से आप संपर्क कर सकते हैं। ये अच्छे जगह उपलब्ध होते हैं, इनकी पूजा पाठ से काफ़ी लाभ मिलता है। लिखा हुआ है कि दर्शन मात्रेण सिद्धिष्यत्। अगर पारा के शिवलिंग है तो आपको केवल दर्शन से ही सारी सिद्धियां हो जाती हैं। आप अच्छे से पूजा करें, उस पर इत्र लगाएं, आप जो कहीं जा भी रहे हैं तो केवल इत्र लगाकर और थोड़ा सा जो इत्र आप श्री पे चढ़ा रहे हैं उसमें अपने काम में लगा लें, अपने प्रसाद स्वरूप अपने पॉकेट में रख लें। आप अपनी यात्रा करें, देखें लाभ ही लाभ मिलेगा। नमस्कार।